द एस्ट्रो बॉय के स्टार मूनबिन ने अपनी केपॉप स्टार बनने की ट्रेनिंग 4 से 5 साल की उम्र में ही शुरू कर दी थी और 15 साल बाद यानी 18 साल की उम्र में मूनबिन फाइनली एक स्टार बन गए, सेलिब्रिटी बन गए। लेकिन फेमस होने के 6 साल के अंदर ही उन्होंने सुसाइड करके अपनी जान ले ली। केपॉप स्टार्स करोड़ों में कमाते हैं, जो सुन के आपको लगता रहेगा कि इनकी जिंदगी कितनी ही लग्जरियस होगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दिस इज नॉट द केस फॉर ऑल ऑफ देम। एक दूसरी केपॉप स्टार ग्रेसी ग्रेस ने सामने से अपने यूट्यूब वीडियो में रिवील किया कि उनके डेब्यू के 3 साल तक उनकी कमाई लिटरली जीरो थी। मच मनी आई मेड पर्सनली फ्रॉम म्यूजिक एंड इट्स $0। एक और केपॉप स्टार हायसुंग, आई होप मैं नाम सही से बोल रही हूँ, लेकिन उन्होंने केरिया हेराल्ड न्यूज को इंटरव्यू में ये बताया कि उनके स्टार बनने के बाद भी आज उनकी कमाई बहुत ही ज्यादा कम है और इसीलिए वो अपना पेट भरने के लिए साइड में एक दुकान में भी काम करती है। एंड नहीं, ये ऐसे कोई एक या दो केसेस नहीं है, ये काफी सारे केपॉप स्टार्स की हकीकत है। इनफैक्ट आज केपॉप इंडस्ट्री में सुसाइड केसेस तो 26% से बढ़ चुके हैं, क्योंकि ये सारी फसाड की जो जड़ है उस पर तो उनकी गवर्नमेंट काम ही नहीं कर रही है। स्लेव कॉन्ट्रैक्ट्स। डिड यू नो सोल स्पेस मैगजीन के हिसाब से इन केपॉप स्टार्स की कमाई का 90% हिस्सा उनके मैनेजर्स और उनकी म्यूजिक कंपनी ही हड़प लेती है और उन्हें स्टार्स को सिर्फ अपने कमाई का 10% ही मिल पाता है, जो 10% भी ग्रुप के हर एक आइडल के बीच में डिवाइड होता है। मतलब कई सारे केसेस में इंडिविजुअल स्टार्स के हाथ में ऑलमोस्ट ना के बराबर पैसे आते हैं। लेकिन एक मिनट, अगर यही सच्चाई है तो क्यों फिर आखिर इसके बावजूद ट्रेनीज ऐसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए राजी हो जाते हैं? वेल, दैट इज बिकॉज इन कॉन्ट्रैक्ट्स में बहुत ही टैक्टफुली फंसाया जाता है जो एक्चुअली स्टार्ट होता है ऑडिशन से। यानी सबसे पहले केपॉप स्टार बनने के लिए केपॉप एस्पिरेंट्स ऑडिशंस देते हैं, पर ये ऑडिशंस असल में एक स्ट्रेटेजिकली डिवाइस ट्रैप होता है। एक न्यूज पोर्टल के हिसाब से सबसे पहले तो कैंडिडेट्स को केपॉप एकेडमीज में एनरोल होना पड़ता है, जो मोस्टली म्यूजिक कंपनीज ओन करती है। फिलहाल साउथ कोरिया में YG, JYP और SM की 3 बड़े म्यूजिक लेबल कंपनीज प्रोमिनेंट है, जो ट्रेनिंग एकेडमीज चलाते हैं, जिसमें ट्रेनीज को सिंगिंग, डांसिंग, फिटनेस, लुक्स, कोरियन लैंग्वेज, इन सब चीजों की ट्रेनिंग देकर एक स्टार बनना सिखाया जाता है। लेकिन दिस कम्स एट अ वेरी बिग कॉस्ट, 45 लाख रुपीज। यस, डर गए ना? एग्जैक्टली यही डर रहता है इन ट्रेनिंग एकेडमीज का सबसे बड़ा हथियार, क्योंकि इसके बाद ये इंस्टीट्यूट्स उन कैंडिडेट्स को उनके साथ एक सीक्रेट डील साइन करने का ऑप्शन देते हैं कि चलो कोई बात नहीं, अगर आपके पास 45 लाख रुपीज नहीं है तो हम आपके जगह पे ये पेमेंट कर देंगे, यानी बेसिकली आपका ये पेमेंट माफ हो जाएगा। लेकिन कल को अगर आप एक सेलिब्रिटी बन गए तो आपके इनकम पर हमारा भी एक कट होगा। सुनने में कितना सिंपल लग रहा है ना, मतलब दोनों भी पार्टीज का विन-विन। इसीलिए ये हर साल एक कंपनी मिनिमम 1400 कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लेते हैं। लेकिन लिटिल डू दिस ट्रेनीज नो कि ये एक्चुअली एक स्लेव कॉन्ट्रैक्ट होता है, क्योंकि इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करते ही वो एजेंसी उस ट्रेनी के लाइफ के हर एक हिस्से को कंट्रोल करने लग जाती है। वो किससे बात कर रहे हैं, किससे दोस्ती कर रहे हैं, खाना क्या खा रहे हैं, और यहाँ तक कि किसको डेट कर रहे हैं, डेट कर सकते भी हैं कि डेट नहीं कर सकते हैं, इस सब में पूरा का पूरा कंट्रोल आ जाता है उस एजेंसी का। इसमें एक और सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि ये स्लेव कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेनिंग के बाद उनके सेलिब्रिटी बनने के 8 से 15 सालों तक भी एक्टिव रहते हैं। मतलब डेब्यू के सेलिब्रिटी बनने के कितने सालों के बाद भी इन केपॉप आइडल्स को कंपनी की गुलामी से छुटकारा नहीं मिलता है। इसका बेस्ट एग्जांपल TVXQ बैंड के मेंबर्स है, जिनका कॉन्ट्रैक्ट 10 से भी ज्यादा सालों तक चला था, जिस दौरान ऑफ कोर्स उनकी अर्निंग्स पर एजेंसी का काफी ज्यादा कंट्रोल होता था। इनफैक्ट कई केसेस में तो इन कॉन्ट्रैक्ट्स के वजह से केपॉप स्टार्स की अर्निंग ऑलमोस्ट जीरो तक हो जाती है। जैसे मैंने बताया, अमेरिकन कोरियन केपॉप स्टार ग्रेजी ग्रेस ने भी रिवील किया था कि उनके डेब्यू के 3 सालों तक उन्होंने लिटरली जीरो पैसा कमाया था, क्योंकि वो जितना भी पैसा कमाती थी कंपनी उसे लोन रीपेमेंट के तौर पर डिडक्ट करती थी। लोन यानी जो मैं इनिशियली आपको बताई थी कि 45 लाख रुपीज भरने पड़ते हैं, लेकिन अगर उनके पास नहीं होता है तो वही कंपनी एज अ लोन वो पेमेंट उन्हें ऑफर कर देती है, यानी बेसिकली उनका जो ट्रेनिंग होता है वो फ्री में हो जाता है। इनफैक्ट उसी वीडियो में ग्रेजी ग्रेस ने तो ये भी बताया कि उनके कई सारे फेलो केपॉप स्टार्स सेलिब्रिटी बनने के बाद भी पार्ट टाइम छोटे मोटे जॉब्स करते थे। कैन यू इमेजिन दैट? नाउ टॉकिंग अबाउट वो एजेंसी 45 लाख रुपीज क्यों मांगती थी, ये स्टार्स उस एजेंसी में सीखते क्या थे? सो ऑफ कोर्स हर एजेंसी में इनका जो शेड्यूल होता है वो डिफरेंट होता है, बट हम एक एवरेज गेस मार सकते हैं। द मीडियम न्यूज पे एक यूट्यूबर Ploopy678 ने केपॉप ट्रेनीज का पूरा डेली शेड्यूल बताया था, जिसपे उनका कहना था कि ये ट्रेनीज अक्सर सुबह 5 बजे उठते हैं और रात के 1 बजे तक सिर्फ ट्रेनिंग ही करते रहते, यानी 24 घंटों में से ऑलमोस्ट 20 घंटे ये ट्रेनिंग करते हुए ही बताते हैं, जिसमें मिनिमम 6 घंटे की डांस प्रैक्टिस होती है, 5 घंटे की सिंगिंग प्रैक्टिस होती है
दो घंटे की कोरियन लैंग्वेज की क्लास होती है और एक घंटे का रिगरस जिम करवाया जाता है। आई नो दिस इज वेरी हार्श, लेकिन इससे भी हार्श होते हैं इन इंस्टीट्यूट्स के रूल्स और रेगुलेशंस, जो ऑलमोस्ट जेल जितने स्ट्रिक्ट होते हैं। स्ट्रिक्टली नो डेटिंग, नो मोबाइल यूज, ऑपोजिट जेंडर से बात करने पर कंप्लीट बैन, और म्यूजिक कंपनी के ऑर्डर पे एक वीक के अंदर 7 किलो का वजन आपको कम करके ही दिखाना होगा। ये है साउथ कोरिया की वन ऑफ द बिगेस्ट JYP एंटरटेनमेंट एजेंसी के ट्रेनीज के लिए बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो खुद उनके फाउंडर ने ही SCMP न्यूज को बताया था। अब देखो, कॉमनली ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में लड़के लड़कियां दोनों भी एनरोल होते हैं, पर एक बार द फेमस के ग्रुप ब्लैकपिंक की मेंबर रोजे ने टॉक शो रेडियो स्टार में रिवील किया था कि अक्सर इन इंस्टीट्यूट्स में मेल्स और फीमेल ट्रेनीज को एक दूसरे की तरफ देखने की भी परमिशन नहीं होती, जिसके लिए उनके डिनर्स अलग अलग शेड्यूल किए जाते हैं, और लड़कियों के साथ एक फुल टाइम मैनेजर होती है जो ये मेक श्योर करती है कि कोई भी लड़का उनके आसपास ना मंडरा है। अब अगर आपको यही पीरियड लग रहा है तो वेट टिल यू योर बोर, कई सारे एजेंसीज में ऐसे भी रूल्स होते हैं कि ट्रेनिंग पीरियड में ही नहीं बल्कि K-pop स्टार बनने के भी 3 साल तक वो स्टार्स किसी को भी डेट नहीं कर सकते हैं। जस्ट इमेजिन ये इन स्टार्स के लिए कितना ज्यादा इमोशनली टैक्सिंग और लोनली होता होगा। हाल ही में वंडर गर्ल्स ग्रुप की लड़कियों ने तो ओपनली एक टॉक शो में, मजाक में ही सही, लेकिन ये तक अनाउंस कर दिया था कि नाउ वी आर फाइनली फ्री टू डेट एनीबॉडी, सो इफ यू गाइस हैव एनी इंटरेस्ट कॉल अस, टेक्स्ट अस, व्हाटएवर, थैंक यू। नाउ वी आर फ्री टू डेट एनीबॉडी, सो इफ यू गाइस हैव एनी इंटरेस्ट जस्ट कॉल अस, text us, whatever. Thank you. Now, moving to diet, 2015 में रेनबो ग्रुप के एक मेंबर किम जे क्यू ने एक टीवी शो में रिवील किया था कि उनकी ट्रेनिंग कोर्स के दौरान उनकी एजेंसी उनका वेट एवरी वीक चेक करती थी, जो सुनने में तो बेसिक सा लगता है, लेकिन वो दिन उन ट्रेनर्स के लिए इतना ज्यादा स्ट्रेसफुल हो जाता था कि उस दिन में वो अपने अक्सर नाखून कट कर देते थे, पूरे दिन पानी नहीं पीते थे, कंटिन्यूसली स्पिट करते रहते थे ताकि कुछ मिलीग्राम्स, नैनोग्राम्स ही सही, लेकिन उनका वेट कुछ तो कम हो जाए। एक्चुअली इन ट्रेनिंग इसको एजेंसी द्वारा अलॉटेड स्ट्रिक्ट फूड डाइट को ही फॉलो करना पड़ता है। 夜食べないみたいな生活をしてて、多分一日に300キロカロリーぐらいしか取ってなかった時、本当。लेकिन इस फूड डाइट को लेकर ट्रेनीज के बीच इतना डर हो जाता है कि BTS के एक मेंबर RM ने एक YouTube सीरीज में ये बताया था कि वो और दूसरे मेंबर V एक बार छुपके से रास्ते पे आइसक्रीम खा रहे थे, तब उन्होंने एक ब्लैक वैन देखी, जो आई एम अज्यूमिंग उनके एजेंसी के मेंबर्स की होगी, लेकिन उस वैन को देखते ही वो इतना ज्यादा डर गए, उन्होंने तुरंत उस आइसक्रीम को अपने जेब में डाल दिया और प्रिटेंड किया कि वो तो बस अपने रूम में जा रहे थे और आइसक्रीम नहीं खा रहे थे, क्योंकि उनको पता था कि अगर वो ऐसे जंक फूड खाते हुए पकड़े गए तो उनकी बहुत बहुत बुरी हालत की जाएगी। सो बेसिकली इनका ट्रेनिंग स्केड्यूल और इनका डाइट बहुत ज्यादा टैक्सिंग होता है, लेकिन इतनी कड़ी मेहनत करने के बाद भी आराम करने के लिए जब ये K-pop स्टार्स अपने रूम्स में लौटते हैं तो वहां का कुछ मंजर ऐसा होता है। एक छोटे से क्रम्बल रूम में 4 लोग को रखा जाता है, जहाँ की फर्श भी टूटी होती है और टॉयलेट्स वगैरह भी कुछ खास कंडीशंस में नहीं होते हैं। ऐसे बेसमेंट और लिटरली स्टोरेज रूम्स जैसे रूम्स में ट्रेनीज को रखा जाता है, जो रिवील किया था TRCNG ग्रुप के 2 स्टार मेंबर्स ने कोरियाबू न्यूज पे फोटो प्रूफ्स के साथ। उन्होंने बताया कि वो पर्सनली जिस रूम में रह रहे थे वो एक छोटा सा स्टोरेज रूम था जिसमें 4 से 5 लोगों को ठूसा गया था, और क्योंकि ये रूम्स बेसमेंट या स्टोरेज रूम्स थे तो अक्सर उनके रूम का टेम्परेचर 31 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता था, लेकिन एजेंसी ने उन्हें कोई AC भी नहीं दिया था। इससे भी बुरी कंडीशन ये थी कि एक बार उनके रूम का वाटर प्यूरिफायर भी बिगड़ गया था, लेकिन फिर भी एजेंसी ने उन्हें एक नया वाटर प्यूरिफायर लगा के नहीं दिया, एंड उन स्टार्स के पेरेंट्स ने आपस में कॉन्ट्रीब्यूट करके उनके रूम में एक प्यूरिफायर लगा के दिया। सेम हालत उनके टॉयलेट्स की भी थी। उन स्टार्स ने लिटरली अपने पेरेंट्स के चैट का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए दिखाया कि वो म्यूजिक कंपनी को कई बार रिक्वेस्ट करने के बाद अंत में थक हार के उनके पेरेंट्स ने ही अपने बच्चों को टॉयलेट फिक्स करवा के दिया। जस्ट इमेजिन, ये ट्रेनीज आज स्टार बन चुके हैं, तब जाके ऐसे पब्लिकली अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर पा रहे हैं। मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इतनी हार्श ट्रेनिंग से गुजरने के बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि एक ट्रेनी K-pop स्टार बनेगी ही, क्योंकि द गार्डियन के मुताबिक K-pop आइडल बनने का सक्सेस रेशियो सिर्फ 5 से 10% होता है, यानी 100 में से सिर्फ 5 या 10 लोग ही आगे जाके K-pop स्टार्स बनेंगे, एंड उनमें से भी कई बार तो डेब्यू होने के बाद भी अगर कोई ग्रुप मार्केट में इतना चल नहीं रहा है तो उन्हें कंपनी तुरंत निकाल देती है। जैसे आपको पता होगा 9 Muses, टॉप डॉग, एम्पायर, बॉयज रिपब्लिक ऐसे ग्रुप्स के साथ हुआ था। सो बेसिकली माय पॉइंट इज, हर चमकती चीज सोना नहीं होती है। ऑफ कोर्स आई एम श्योर K-pop की इस एजेंसी कल्चर ने काफियों की जिंदगी बनाई होगी, लेकिन हर एक चीज के मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स होते हैं। किसी भी इंडस्ट्री को हम सिर्फ बाहर से देखकर ये एज्यूम नहीं कर सकते कि वो इंडस्ट्री बहुत ही सक्सेसफुल है, वहां पे लोग जेन्युइनली हैप्पी है एंड जेन्युइनली बहुत ज्यादा अर्न कर रहे हैं, जैसे हमें ऑलमोस्ट सारे स्टार सेलिब्रिटीज के बारे में लगता है, लेकिन कई बार इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट
होता है. इनफैक्ट इंडिया में भी ये ट्रू है. जैसे पान वालाज जो एक छोटे से ठेले में अपना बिजनेस चलाते हैं, लेकिन आज कई सारे ऐसे पान वालाज हैं जो करोड़पति बन चुके हैं. सिर्फ यूपी के कानपुर एक रीजन की ही बात करें तो वहाँ आज 250 पान सेलर्स हैं जो करोड़पति बन चुके हैं. ऐसे कैसे हो रहा है? आखिर सिर्फ 10-20 रुपए के पान बेच के लोग करोड़ों में कैसे कमा रहे हैं? इसके पीछे का रीजन एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग है और इस पे हमने एक डिटेल वीडियो बना रखा है. अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हो तो आप लेफ्ट पे क्लिक करके उसे देख सकते हैं.